गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आपका मैंने 6th चैप्टर संस्कृत में पढ़ा दिया है, आपका इसमें स्वाध्याय पोथी में बाकी है। तो स्वाध्याय पोथी में मैंने किया है, तो करने के बाद मैं आपको समझा भी देती हूँ, तो जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने लिखिए। तो गांधीनगरम कीदृशम नगरम अस्ति, जो गांधीनगर था तो वो कैसा नगर है, तो आपका इसमें डी सही है, सुंदरम सुशोभित, ठीक है, आपको ये वाला डी नंबर सही करना है। फिर विधानसभाया अधिवेशनान कुत्र भवंत, जो विधानसभा है तो वो कहाँ थी, तो आपका इसमें सी सही है, सचिवालय भवन, ठीक है, सचिवालय भवन। फिर कुत्र स्थित्वा राजस्य मंत्रणा सचिवा अन्य चा अधिकारिणा राज्य कार्य संचालित, जो राज्य के मंत्री थे वो कहाँ काम संचालित कर, राज्य का काम कहाँ संचालित करते थे, तो ये वो भी आपका होगा सचिवालय भवने, ठीक है। अक्षरधाम मंदिरे प्रदर्शन विभाग कृदशा अस्ति, जो अक्षरधाम मंदिर है प्रदर्शन विभाग वो कहाँ है, तो कैसा है, तो अतीव मनोहर, यानी कि आपका इसमें सी सही है। इंद्रोड़ा पचुद्याने का विभाग वालाना कृति अतीव आकर्षक मनोरंजन च अस्ति, यानी बालकों को जो उद्रेणा पचुद्यान था उसमें क्या बालकों को अति सुंदर लगता था, तो उसमें था डायनासोर विभाग, ये बच्चों को बहुत पसंद था। किम भवनम GCRT रूपेण ख्यातम अस्ति, GCRT भवन जो था किस लिए प्रसिद्ध था, तो गांधी नगरम नति दूरे स्थित विद्या भवन, ठीक है, ये आपका सही है। फिर गुजरात राज्य का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो कहाँ था, डी आपका सही है, सचिवालय गांधीनगरे बहवा संत, तो आपका इसमें होगा पादीपा। भ्रसम इत शब्दम का अर्थ अस्ति, यानी भ्रसम शब्द का अर्थ क्या था, तो आपका था भरना। सर्पित शब्द पर्याय शब्द का अस्त, तो इसका था सर्प का पर्यायवाची भुजंड। नति दूरे एत संच विच्छेद क्या, इसका आपका होगा वी, अस्मन इत तस्य संध कुरता, इसमें आपका होगा ई, अतीत वैध धातु रूपेण वर्तमान अनुपचय रूप, ठीक है। इसी तरह आपके ये दिया है, पाठ के आधार पर उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको जैसे पाठ पढ़ा उसी हिसाब से ये खाली जगह भरनी है। तो गांधीनगरम गुजर राजस, तो क्या दिया, राजधानी अस्ति। राजस मंत्रणा सचिवा अन्य चा अधिकारिणा राज्य कार्य, तो इसका आपका होगा संचालयंत। महात्मा गांधी महोदया भारतीय स्वतंत्रताया भ्रतम प्रयत्न करोति, यानी कि किन्होंने, तो इसका होगा कृति। फिर अक्षरधाम मंदिरे प्रदर्शना विभागे अतीव मनोहरे अस्ति, इसमें आपका आएगा अतीव, ठीक है। फिर है नामना प्राचीन का प्रणाली विशेष विभाग अस्ति, तो इसका होगा डायनासोर, क्योंकि वही प्राचीन प्राणी था। इदम नगरम विशेष रूपेण अपि प्रसिद्धम, तो इसका होगा हरित नगरम, ठीक है, ये आपके हो गए। तो आपको जो आपने ऊपर भरे थे, राजधानी संचालित कृति अतीव डायनासोर हरित जो भी है, तो आपको नीचे उसी हिसाब से करना है, ठीक है बेटा। ये नंबर बाय नंबर आपको लिख देने हैं, यही ऊपर वाले नंबर डाल के लिखने हैं जो भी आया था उसमें। फिर निम्नलिखित विधानों में से सही विधानों के सामने सही, गलत विधानों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। गांधीनगरम गुजर राज्य महानगरम अस्ति, यानी गांधीनगर गुजरात राज्य की महानगर है, सही है। सचिवालय गुजर प्रदेश शासन मुख्य कार्यालय अस्ति, ये भी आपका सही है। महात्मा गांधी महोदय भारतीय स्वतंत्रता प्रयत्न अकरोत, ये भी सही है। प्रदर्शन विभाग एवं एकम चलचित्रम अपि दर्शते, ये आपका गलत है, एक चित्र नहीं था। प्रतिदिन बहिवा अधिनातारे एतस मंदिर दर्शनम आकच्छति, ये भी गलत है, ये नहीं सही है। ऐसा विभाग बालना कृति अति मनोरंजक अस्ति, ये आपका सही है। फिर इसी तरह आपके विभाग दिए हैं, तो आपको आ और बासे मिलाना, तो गांधीनगरम का आपका हो जाएगा गांधीनगरम हरित नगरम, ठीक है। अक्षरधाम मंदिरम
चलचित्रं पश्यन्ति इन्द्रोडापक्षि उद्यानं हरित उद्यानापक्षि निर्माणं ये हो जाएगा आपका विद्या विविध कुलाना सर्प विद्या भवन हो जाएगा GCRT महात्मा मंदिर अस्माक राष्ट्रपितु स्मृति। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इधर लिखने भी हैं। जो बेटा चौथा है तीसरे वाले में आपको विविध कुलाना सर्प लिखना है। तीसरे वाले में आपको विविध कुलाना उलाना सर्पा, ठीक है, ये आपको लिखना है। बाकी की ये सब सही है। इसी तरह आपका है निम्न के संकर शब्दों के सही अर्थ उनके सामने दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो जो ये सईद यास्मीन का होगा इसमें राजधानी का होगा राजधानी, रसम का होगा बहुत ही, औकृति का होगा के लिए, ख्यातम का होगा प्रसिद्ध, ये वाला भी इसका ये सही होगा बहुत, ख्यातम का होगा प्रसिद्ध। फिर निम्न के संस्कृत शब्दों के सही समानार्थी शब्द उनके सामने दिए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो चित्तम का होगा समानार्थी मना, प्रतिदिन का नित्यम, ख्यातम का प्रसिद्धम, सर्पा का भुजंड, मार्ग का पथा, बहुवा का अति। इसी तरह निम्न के संस्कृत शब्दों के विरोधार्थी शब्द उनके सामने दिए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो बाला का होगा वृद्धा, स्वच्छ का होगा अस्वच्छ, स्वतंत्रता का परतंत्रता, बहु का रसम, वो सॉरी अल्पम। फिर आपका निम्न शब्द रूपों और धातु रूपों को बचाने इसका बेटा मैं आपको देती हूँ। और ये नीचे है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। किम नगरम गुर्जर राज राजधानी, तो गांधी नगरम गुर्जर राजस राजधानी अस्ति। फिर है महात्मा मंदिर था नत दूरे की मस्त, महात्मा मंदिर विद्या भवन नाम विशालम भवनम अस्ति। पक्ष उद्याने की मस्त, तो गांधी नगर समीपे एवं विशालम इंद्रोड़ा पक्ष उद्यानम अस्ति। अध्यात्म विज्ञानो सड़गमा कुत्र दर्शते, अक्षरधाम मंदिरम अध्यात्म विज्ञानो सड़गम दर्शते, स्वतंत्रतया कृते का व्रसम प्रयत्न करोति, महात्मा गांधी स्वतंत्रतया कृते व्रसम प्रयत्न करोति, गांधी नगरे कान कान दर्शनीयान स्थानान सन्ति, गांधी नगरे सचिवालय महात्मा मंदिर अक्षरधाम मंदिर एवं इंद्रोड़ा पक्ष उद्यानम सन्ति। फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर हिंदी में लिखिए। अभी तक आपने संस्कृत में किए थे, अब आपको हिंदी में कर रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर में प्रतिदिन कौन आते हैं, क्यों? अक्षरधाम मंदिर में प्रतिदिन यात्री आते हैं क्योंकि वहाँ प्रदर्शनी देखने योग्य है। गांधीनगर क्यों हरे भरे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, तो गांधीनगर में तरह तरह के बगीचे स्थल हैं इसलिए हरे भरे नगर के नाम से प्रसिद्ध है। GCRT भवन क्या कार्य करता है, तो GCRT भवन शिक्षा का कार्य करता है। महात्मा गांधी की स्मृति में गांधीनगर में क्या निर्माण किया गया, गांधीनगर में महात्मा गांधी ने जो भारत स्वतंत्र कराया उसके लिए निर्माण किया गया। इंद्रोड़ा पक्षी उद्यान में क्या क्या देखने को मिलता है, इंद्रोड़ा पक्षी में डायनासोर और तरह तरह के कुल के सांप भी देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरा गांव सुंदर है, मम ग्रामा सुंदरम अस्ति। फिर है यहाँ अनेकों पक्षी हैं, इदम बहून खगा अस्ति। मेरे गाँव में बगीचा है, मम ग्रामा उद्यानम अस्ति। मेरा विद्यालय बड़ा है, मम विद्यालय विशालम अस्ति। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, गांधी जी वयम राष्ट्रपिता अस्ति। यह सुंदर और सुनोयत नगर है, इदम सुंदरम चा सुनोयत नगरम अस्ति। इसी तरह बेटे आपके ये आपका संस्कृत में हो गया ट्रांसलेट। और ये निम्नलिखित परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद मैंने तो पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है, हिंदी अनुवाद आपको भेजा भी है, तो उससे आपको करना है। इदम सचिवालय भवनम अस्त, अस्मन् भवने विधानसभाया अधिवेशनान भवन्ति, अस्मिन् भवने स्थिता राज्यस्य मंत्रणा सचिवा, अन्य च अधिकारिणा राज्यकार्य सचालयन्ति, सचिवालय एवं गुर्जर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। तो इसका होगा यह सचिवालय भवन है, इस सभा में विधानसभा के अधिवेशन होते हैं, इस भवन में बैठ के राज्य सचिव और दूसरे अधिकारी राज्य का कार्य संचालित करते हैं। सचिवालय गुजरात प्रदेश का मुख्य सचिवालय है। फिर आपका है दूसरा डायनासोर नामा महा प्राचीन महाकाय प्राणियां विशेष विभाग अस्ति। ये ऐसा विभाग बालना कृते अतीव मनोरंजक अस्ति। अत्र एवं सर्पग्रहम अपि अस्ति, विविध कुलानां सर्पाणां दुष्ट शकुनम्,
तो डायनासोर नाम का प्राचीन महाकाय प्राणी का विशेष विभाग है। यह विभाग बालकों के लिए आकर्षक और मनोरंजन है। यहाँ एक सर्प क्रय भी है। अनेक कुलों के सांप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे इसका ईएम परिषद, स्मार्क परिषद, प्राथमिक शिक्षण क्षेत्रीय प्रवर्तनार्थ संतता प्रवर्ता अस्ति। गांधी नगरे विशाल स्वच्छ मार्गा च वर्तन्ते। इसमन नगरे बहून रमणीयान उद्यान सन्ते। नगरे महिमा पादपा सन्ते तेन कारण इदम नगरम विश्व हरित नगर रूपेण अपि प्रसिद्धम। यह प्रसिद्ध परिषद हमारे प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए निरंतर कार्य है। गांधी नगर में एक विशाल स्वच्छ मार्ग है। इस नगर में अनेक सुंदर नगर हैं। इस कारण यह नगर विश्व के हरियाली नगर के रूप में प्रसिद्ध है। बेटा इतना आपका हो चुका है, अब आपने स्वाध्याय पोथी में कर लेना। और सॉरी बेटा, इसमें आपका डी नंबर ये वाला सही था, ये आपको नहीं करना है, डी वाला नंबर करना है। ठीक है बेटा, बाकी का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, अब आप पूरा करोगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।